हेलो व्यूअर्स, आई एम तरंग कुमार गोनवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुड़गांव। द फॉलोइंग वीडियो इज प्रिपेयर्ड एज पर द सिलेबस एंड कोर्स आउटलाइन ऑफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। हाउएवर, देर आर मोस्टली जनरल टॉपिक्स विच कवर द वर्किंग एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फॉर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुलाइजिंग क्लियरली, प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। एट द एंड ऑफ ईच टॉपिक एंड ईच सेक्शन we will be discussing about the related important questions, feasibility and application. Let's start the video. Hello friends, hello everyone, welcome back to the channel. In today's session, we are going to continue with the subject Engineering Geology, which is in 6th semester. And the topic of discussion today would be Physiographic Division of India. India is bound to the southwest by the Arabian Sea, to the southeast by the Bay of Bengal, and the Indian Ocean to the south. So, southwest mein Arabian Sea, southeast mein Bay of Bengal, aur south mein Indian Ocean hai. कन्याकुमारी कंस्टिट्यूट्स द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विच नैरोज बिफोर एंडिंग इन द इंडियन ओशन। तो ये पेनिनसुला यहाँ पे नैरो डाउन हो जाती है इंडियन ओशन में जस्ट टच करने से पहले। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, उसका इंदिरा पॉइंट। The Maldives, Sri Lanka and Indonesia are island nations to the south of India, with Sri Lanka separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and Gulf of Mannar. Maldives, Sri Lanka और Indonesia ये island nations हैं जो कि India के south में हैं और एक narrow channel sea क्या India और श्रीलंका को सेपरेट करता है। द टेरिटोरियल वॉटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड इन टू द सी टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 13.8 माइल और 22.2 किलोमीटर, मेजर्ड फ्रॉम द अप्रोक्सीमेट बेस लाइन। Geological development. India is entirely contained on the Indian plate, a major tectonic plate that was formed when it split off from the ancient continent Gondwana land. So India, ऐसा माना जाता है कि India पूरी तरीके से एक major Indian tectonic plate पे ही है, जो कि Gondwana land से अलग होके पुराने समय में split होके आई थी। अबाउट 90 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लेट क्रेटेशियस पीरियड द इंडियन प्लेट बिगन मूविंग नॉर्थ एट अबाउट 15 सेंटीमीटर पर ईयर, दैट इज 6 इंच पर ईयर। तो जब क्रेटेशियस एरिया का जो लेट टाइम था, जो उसका जो लास्ट एंडिंग टाइम था, उसमें इंडियन प्लेट जो थी वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गई लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से। अबाउट 50 टू 55 मिलियन ईयर्स अगो इन द यूशियन ईपो ऑफ सेनोजोइक एरा द प्लेट कोलाइडेड विद एशिया आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 टू 3000 किलोमीटर, हैविंग मूव्ड फास्टर देन एनी अदर नोन प्लेट। फिर लगभग 50 से 55 साल पहले यूशियन ईपो में सेनोजोइक एरा के जो ये इंडियन प्लेट थी जो गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी, ये एशियन प्लेट में आके जाके कोलाइड करी। और ये अभी तक जितनी भी प्लेट का मूवमेंट है उन सब में फास्टेस्ट नोटेड मूवमेंट है अभी तक का। इस प्लेट ने लगभग 2000 टू 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था।
In 2007, German geologists determined that Indian plate was able to move so quickly because it is only half as thick as other plates which formerly constitute Gondwana land. तो 2007 में जियोलॉजिस्ट जर्मन जियोलॉजिस्ट को यह पता चला कि इतनी तेज इसलिए मूव कर पा रही थी क्योंकि इसकी थिकनेस बाकी दूसरी जो गोंडवाना लैंड थी उससे कंपेयर करें तो इसकी थिकनेस हाफ ही थी इसलिए तेज मूव कर रही थी. द कोलिजन विद द यूरेशियन प्लेट अलोंग द मॉडर्न बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर्म्ड ओरोजेनिक बेल्ट दैट क्रिएटेड तिब्बतन प्लेट्यू एंड द हिमालयस. और ये जो कोलिजन था यूरेशियन प्लेट का, ये जो आज का मॉडर्न बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, ये ओरोजेनिक फोर्सेस से ये बेल्ट फॉर्म हुई जो कि जिसने तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयन माउंटेन रेंजेस बनाई. एज ऑफ 2009 द इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट एट 5 सेंटीमीटर पर ईयर. और 2009 की स्टडी के हिसाब से इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, व्हाइल द यूरेशियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थ एट ओनली 2 सेंटीमीटर पर ईयर. पर जो यूरेशियन प्लेट है वो पूरी की पूरी सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर ईयर मूव कर रही है. इंडिया इज दस रेफर्ड टू एज द फास्टेस्ट कॉन्टिनेंट. This is causing the Eurasian plate to deform and the Indian plate to compress at a rate of 4 mm per year. और इस collision, ये जो movement continue हो रहा है, इस वजह से India को fastest continent, यानी कि fastest move करने वाली plate कहा गया. इसके अलावा जो Eurasian plate है ये इस collision से deform होती जा रही है और जो Indian plate है ये compress होती जा रही है 4 mm per year की स्पीड की के रेट से. नाउ टॉकिंग अबाउट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 7 फिजियोग्राफिक रीजन्स. फर्स्ट इज द नॉर्थ माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस व्हिच इंक्लूड्स द क्वेनलन एंड द काराकोरम रेंजेस एंड द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंजेस एज वेल. नॉर्दर्न माउंटेन से लेके जितने भी नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंजेस हैं सारा वाला पोर्शन. सेकंड इज इंडो गैंगेटिक प्लेन. थर्ड इज इंडियन डेजर्ट. फोर्थ इज सेंट्रल हाइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. फिफ्थ इज ईस्ट कोस्ट. सिक्स्थ इज वेस्ट कोस्ट एंड सेवेंथ इज आइलैंड्स. सो फर्स्ट इज माउंटेन्स. A great arc of mountains consisting of the Himalayas, Hind Kush, and Himalayan ranges define the northern Indian subcontinent. So, these major mountain ranges. These were formed by the ongoing of the Indian plate with the Eurasian plate that started around 50 million years ago. और ये जो 50 million years पहले Indian plate जो Eurasian plate में जाके कोलाइड करी थी, ये उसी की वजह से अभी भी कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज कर रहा है. द माउंटेन्स इन दीज रेंजेस इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स व्हिच एक्ट एज नेचुरल बैरियर टू कोल्ड पोलर विंड्स. और जो इसमें माउंटेन रेंजेस है ये इंडिया तक बहुत ज्यादा सर्दी आने नहीं देती है जो कि पोलर रीजन से विंड्स आती है उनको रोक लेती है. They also facilitate the monsoon winds, which in turn influence the climate in India. Rivers originating in these mountains flow through the fertile Indo-Gangetic plains. These mountains are recognized by biogeography as the boundary between two of the Earth's great ecozones. So, biogeography ki language mein isko boundary between Earth's great ecozones कहा जाता है. The temperate Palearctic that covers most of the Eurasia and the tropical and subtropical Indo-Malay ecozone which includes the Indian subcontinent, Southeast Asia and Indonesia.
दो इकोजोन्स में डिवाइड करा जाता है, वो है एक तो ये पैलियोआर्कटिक जिसमें यूरेशिया और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंडो मालिया इकोजोन है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और इंडो मालिया इकोजोन में जिसमें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑल्सो नोन एज ग्रेट प्लेन्स आर लार्ज फ्लड प्लेन्स ऑफ द इंडस एंड गैंजेस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स। तो ये बहुत बड़े फ्लड प्लेन्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर का। दे रन पैरेलल टू हिमालय माउंटेन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, ड्रेनिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न कश्मीर से आसाम की ओर ट्रैवल करती है ये रिवर्स। द प्लेन्स एनकंपस एन एरिया ऑफ 700,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये जितना एरिया कवर करती है ये लगभग 700,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है। द मेजर रिवर्स इन दिस रीजन आर द गैंजेस एंड द इंडस अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। तो मेजर रिवर्स हैं गंगा और इंडस, और जिनकी सब ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास, यमुना, गोमती, रावी, चंबल, सतलज एंड चेनाब रिवर। द ग्रेट प्लेन्स और द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड इनटू फर्दर फोर डिविजन्स। तो चार डिविजन्स और हैं ग्रेट प्लेन्स की। फर्स्ट इज भाबर बेल्ट, इट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयस एंड कंसिस्ट्स ऑफ बोल्डर्स एंड पेबल्स व्हिच हैव बीन कैरिड डाउन बाय द रिवर स्ट्रीम्स। तो ये हिमालयस की फुट हिल के बिल्कुल नजदीक है और ये बोल्डर्स और पेबल्स से बना हुआ है जो कि रिवर स्ट्रीम्स है के साथ बह के आए हैं। एज द पोरोसिटी ऑफ दिस बेल्ट इज वेरी हाई, द स्ट्रीम्स फ्लो अंडरग्राउंड, द भाबर इज जनरली नैरो विद इट्स विड्थ वेरिंग बिटवीन 7 to 15 किलोमीटर। तो क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पोरोसिटी है इस तरह के पत्थर की, इस तरह के रॉक अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे जो नदी है वो ग्राउंड के नीचे बहती है और इसकी जो विड्थ है भाबर बेल्ट की वो नैरो होती है जो कि 7 to 15 किलोमीटर होती है। देन नेक्स्ट इज द टेराई बेल्ट, इट लाइज नेक्स्ट टू द भाबर रीजन एंड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एलुवियम। तो इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो अगली रीजन है भाबर रीजन के वो है टेराई बेल्ट जो कि थोड़े नए एलुवियम से बनी है। द अंडरग्राउंड स्ट्रीम रीअपीयर्स इन दिस रीजन, तो जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम है वो यहाँ पे बाहर आ जाती है और दिखने लगती है। द रीजन इज एक्सेसिवली मॉइस्ट एंड थिकली फॉरेस्टेड, इट ऑल्सो रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड इज पॉपुलेटेड विद अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये काफी थिकली फॉरेस्टेड, ज्यादा घना जंगल है यहाँ पे और रेनफॉल भी ज्यादा है और वाइल्ड लाइफ भी काफी ज्यादा रिच है। देन नेक्स्ट इज बंगर बेल्ट, it consists of older alluvium and forms the alluvial terrace of the flood plains. In the gangetic plains it has a low upland covered by the laterite deposits. And fourth one is khadar belt, it lies in lowland areas after the bangar belt. It is made up of fresh newer alluvium which is deposited by the rivers flowing down the plains. Next is Indian Desert. The Indian Desert, which is Thar Desert, lies towards the western margins of the Aravalli Hills. ये portion. Aravalli Hills के west margins पे, it is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. Rainfall 150 mm per year se bhi kam hai. The Thar Desert, also known as Great Indian Desert, is the world's seventh largest desert. And it forms a significant portion of western India and covers an area of 238,700 km square.
The desert continues into Pakistan as the Cholistan Desert, and most of the Thar Desert is situated in Rajasthan, covering 61% of its geographic area. तो ये जो डेजर्ट है ये कंटिन्यू करता हुआ ही आगे पाकिस्तान में भी जाता है, जहां पे इसका नाम चोलिस्तान हो जाता है, और पर इसका जो मेजर 61% है वो इंडिया में ही है. नेक्स्ट इज हाईलैंड्स और द सेंट्रल हाईलैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स कंप्राइजेस ऑफ थ्री मेन प्लेट्यूज. अब सेंट्रल तीन मेजर प्लेट्यूज हैं. फर्स्ट इज द मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ कवरिंग मोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट. तो वेस्ट में है मालवा प्लेट्यू, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, और ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू. अबाउट मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. एवरेज एलिवेशन ऑफ मालवा प्लेट्यू इज 500 मीटर्स एंड द लैंडस्केप जनरली स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो जो इसका टिल्ट है सारे लैंडस्केप का वो नॉर्थ की तरफ है. मोस्ट ऑफ द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. द वेस्टर्न पार्ट इज ड्रेन्ड बाय अपर रीचेस ऑफ द माही रिवर. और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे माही रिवर. उज्जैन वॉज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द रीजन इन एंशियंट टाइम्स, एंड इंदौर इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट सिटी एंड कमर्शियल सेंटर. ओवरऑल एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मालवा. द रीजन हैज बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड. कॉटन एंड सोयाबीन्स आर अदर इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स एंड टेक्सटाइल्स आर अ मेजर इंडस्ट्री इन मालवा प्लेट्यू. नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू. ये डेक्कन प्लेट्यू का पोर्शन. द डेक्कन प्लेट्यू इज अ लार्ज ट्राइंगुलर प्लेट्यू बाउंडेड बाय द विंध्यास टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. तो इसके नॉर्थ में विंध्यन माउंटेन रेंजेस है और ईस्ट और वेस्ट पे और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से भी टच होता है. द डेक्कन कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 1.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स. तो डेक्कन प्लेट्यू का 1.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया. इट इज मोस्टली फ्लैट विद एलिवेशंस रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 600 मीटर्स. द एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज 600 मीटर्स अबव सी लेवल. द सर्फेस स्लोप्स फ्रॉम 900 meter in the west to 450 meter in the east. So towards west to east slope, it slopes gently from west to east and gives rise to several peninsular rivers. So west se east ki taraf iska slope hai aur Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada ye sab iske important rivers hai jo ki Bay of Bengal mein jaake girti hai. This region is mostly semi arid as it lies on the leeward side of both ghats. ये सेमी एरिड रीजन है क्योंकि दोनों घाट्स के थोड़ा सा साइड में आता है. Much of the Deccan is covered by thorn shrub forest scattered with small regions of deciduous broadleaf forest. Climate in Deccan ranges from hot summers to mild winters. Next is the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau is situated in East India, covering much of Jharkhand and adjacent parts of Odisha, Bihar and Chhattisgarh, and its total area is approximately 65,000 km square.
एंड इज मेड अप ऑफ फर्दर थ्री स्मॉलर प्लेट्यूज. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के तीन छोटे प्लेट्यूज और हैं, रांची, हजारीबाग एंड कोडरमा प्लेट्यूज. रांची प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 700 मीटर्स. मच ऑफ द प्लेट्यू इज फॉरेस्टेड कवर्ड बाय छोटा नागपुर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. Vast reserve of metal ores and coal have been found in the Chota Nagpur Plateau. तो Chota Nagpur Plateau में metal ores और coal मिलता है easily. The Kathiawad Peninsula in western Gujarat is bounded by the Gulf of Kutch and Gulf of Khambat. The natural vegetation in most of the peninsula is xeric scrub, part of the northwestern thorn scrub forest ecoregion. So this is the coastal region of India and this is how coasts look like. On the immediate coasts, constructions is these are eastern coast plains, coastal plains on the east side. So eastern coastal plain is a wide stretch of land lying between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. So Eastern Ghats aur Bay of Bengal ke beech mein jo sara thin jo boundary wala area hai wo sab eastern coastal plain hi hai. The Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna rivers drain these plains and their deltas occupy most of the area. So Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna are the major rivers. The temperature of coastal regions exceeds 30 degrees centigrade coupled with high levels of humidity. The temperature here is 30 degrees upar rehta hai aur humidity bhi high rehti hai. The region receives both the north east and southwest monsoon rains. So yahan pe northeast aur southwest dono ki jo monsoon rains hai aati hai. The southwest monsoon splits into two branches, the Bay of Bengal branch and the Arabian Sea branch. So the southwest monsoon aata hai yahan pe, ye ek to Bay of Bengal mein jata hai aur Arabian Sea mein bhi jata hai. The Bay of Bengal branch moves northwards crossing the northeast India in early June. To jo Bay of Bengal branch hai is monsoon ki, wo north east India ko cross kar deta hai June mein. The Arabian Sea branch moves northwards or Arabian Sea branch north ki taraf jati and discharges much of its rain on the windward side of the Western Ghats. Annual rainfall in this region averages between 1000 mm and 3000 mm. The width of plains varies between 100 and 130 km. So yahan pe jo plain width hai 100 se 130 km ki hai and the plains are divided into 6 regions. जो मेजर प्लेन्स है वो 6 रीजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज द महानदी डेल्टा, द सदर्न आंध्र प्रदेश प्लेन, द कृष्ण गोदावरी डेल्टास, द कन्याकुमारी कोस्ट एंड द कोरोमंडल कोस्ट आल्सो, इन द लास्ट इज सैंडी कोस्टल एरिया. दीज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. The western coastal plain is also a narrow strip of land sandwiched between Western Ghats and the Arabian Sea. Western coast, east coast ke tarah ek patli strip of land hai, jo ki Western Ghats aur Arabian Sea ke beech mein hai. It ranges from 50 to 100 kilometers in width. It extends from Gujarat in the north and extends through Maharashtra. गुजरात से चलते हुए ये वाली जो पूरी प्लेन, ये जो स्ट्रिप है केरला तक है. न्यूमरस रिवर्स एंड बैक वाटर्स इनंडेट द रीजन. तो यहाँ पे बहुत सारे बैक वाटर्स और बहुत सारे रिवर्स भी हैं. ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग एंड मोस्टली पेरेनियल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टुअरीज. तो वेस्टर्न घाट्स में जो भी रिवर्स हैं वो फास्ट फ्लोइंग है और पेरेनियल है. मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन टू द सी आर द टापी, नर्मदा, मंडोवी एंड ज्वारी. तो जो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे वो तापी रिवर, नर्मदा, मंडोवी और ज्वारी. द
कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. इस कोस्ट का को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कोंकण विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, गोवा एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, द कनार इन कर्नाटका एंड द मालाबार कोस्ट इन द केरला. वेजिटेशन इज मोस्टली डेसिडुअस बट द मालाबार कोस्ट मॉइस्ट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक इको रीजन. These are the islands of India. This is Lakshadweep Island. The Lakshadweep and Andamar Islands are the India's two major island formations, which are classified as union territories. Lakshadweep, also known as Lakshadweep Island, is a group of islands in the Lakshadweep Sea, 440 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ केरला. तो ये भी लक्षद्वीप के सब आइलैंड्स हैं. इन सब का डिस्टेंस 200 से 450 किलोमीटर है साउथ वेस्ट साइड में केरला से. द आइलैंड्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. द टोटल लैंड एरिया इज 11 स्क्वायर miles or 32 kilometer square. So is sabka area total 32 kilometer square hai. 10 of the islands are inhabited. Isme the 10 island mein log rehte hain. Lakshadweep is the northern part of the erstwhile Lakshadweepa. The islands are the northernmost among the Lakshadweep, Maldives, Chavos group of islands, which are actually the tops of a vast undersea mountain range in the Indian Ocean and the Arabian Sea. The land area is 32 kilometer square. Lagoon area is about 42 kilometer square, 4200 kilometer square. The territorial water area is 20,000 kilometer squares, and the economic zone area is 400,000 kilometer square. These are Andaman and Nicobar Island. These were all the major seven physiographic divisions of India, and I hope you guys could understand. If in case there is any doubt, you can contact me. Till then, have a great time, and we'll meet in the next lecture. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there's any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.